बिल्कुल, आप देख सकते हैं विजय लक्ष्मी के नाम से, फाइनेंस ग्रुप के नाम से इसके ऊपर टाइम दिया था। मान लिया आज होगी 7 तारीख, कोई जवाब नहीं है, कंपनी बात चुकी, नहीं फोन लागत तो नहीं कोई बात। लिलोड गांव में जो कि कोसली विधानसभा का गांव है, यहां एक धोखाधड़ी का मामला सामने, कचरेड़ी पे ले लो चाहे भैंस पे ले लो चाहे किसी चीज पे लोन ले लो, पर अब उनको कोई पता नहीं सर। और उसके बाद में खाता नंबर दिया था, उन्होंने फोन नंबर लिया था, सब कुछ ले लिया था जी, अब उसने कुछ नहीं सुनाई दी। हम फोन मिलाते हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आता है। 35,000 तो हमारे घर बैठे बैठे ले गए, एक लेडीज का ना 1,000 रुपया। उनकी आईडी देखी, पूरा पूरा देखियो, पर ये सब डुप्लीकेट सी, यो भरोसा खराब कर दिया सर उन्होंने। जी लोन तो नहीं से पहला नहीं भरवाया किसी ने भी, इसने पहली भरवाया, इसने पहली भरवाया। एक बुढ़िया ने कही थी जी पहले पैसे किसी ने नहीं लिए, आप पे ले रहे हो, हम ये लोन नहीं से कंपनी ले रही, हम नहीं ले। फ्रॉड की कोशिश करी, सारी उसने आईडी दिखा दी, हमने सोचा। न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित अमन। आज हम पहुंचे हैं लिलोड गांव में जो कि कोसली विधानसभा का गांव है, यहां एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आप जानते हैं आजकल जो प्राइवेट फाइनेंस वाले हैं वो गांव में जाते हैं और फाइनेंस करते हैं, लेकिन यहां जो मामला सामने आया है इनसे पैसे ले लिए गए हैं और ठगी का मामला एक सामने आया है। लगभग 40,000 से 50,000 रुपये यहाँ से गाँव से लेके गए हैं, लेकिन जो इनको बताया गया था कि आपके लोन का जो अमाउंट है वो इस डेट को आपके बैंक में पहुंच जाएगा, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, वो नहीं पहुंचा। और लगातार 6 से 7 दिन से जो फ़ोन है वो उनका स्विच ऑफ आ रहा है। और अब जो हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनसे भी और जो जेंट्स मौजूद हैं इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। सर बताएँ आप, क्या मामला है? विजय लक्ष्मी कंपनी के नाम से 1,000 रुपये एक कैंडिडेट के लेके बोले 50,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे एक सप्ताह के अंदर। 1 से 5 तारीख तक लोन होता है और वो उन्होंने एक ये स्लिप काट के दी। दिखाइए आप जरा स्लिप, आप स्लिप देख सकते हैं उनकी, जो स्लिप इनको दी गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस स्लिप को एक बार नज़दीक से दिखाएं। आप देख सकते हैं बकायदा जो स्लिप है ये उनकी दी गई है, और साथ में जो इनके पास में और भी आप देख सकते हैं। एक बार ये पिंक वाला जो कागज़ है आपका, ये पकड़ाएं आप देख सकते हैं इसके ऊपर बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है जो फाइनेंस कंपनी है इनकी, उसका नाम इसके ऊपर अंकित है। बिल्कुल आप देख सकते हैं विजय लक्ष्मी के नाम से, फाइनेंस ग्रुप के नाम से इसके ऊपर जो नाम है वो अंकित है, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लेडीज़ भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपको यहाँ पे आके क्या बोला गया उसके द्वारा? जी 1,000 रुपया भरवाया था, बोला हफ्ता के भीतर आ जाएगा थोड़ा, 50,000 रुपया, तो 1,000 रुपये लेकर हमने रसीद काट के दे दिया था जी। आप बताइए यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने बोला क्या था और एक्चुअल जो स्थिति है वो क्या है? उन्होंने बोले जी 50,000 रुपया देंगे, 1,000 रुपया पहले लगेगा, अरे एक हफ्ता भीतर अपने 50,000 रुपया मिल जाएंगे, और दोनों करो तो 1,00,000 रुपया मिल जाएगा। 5 दिन को टाइम दिया था, मान लिया आज होगी 7 तारीख, कोई जवाब नहीं है, कंपनी बात चुकी, नहीं फोन लागत तो नहीं कोई बात। आके यहाँ पे क्या बोला गया था कि आप परिवार के जितने भी मेंबर हैं सबका करवा सकते, सबका करवा सकते हो पर्सनल लोन, चाहे कचरेड़ी पे ले लो चाहे भैंस पे ले लो चाहे किसी चीज पे लोन ले लो, पर अब इनको कोई पता नहीं सर जी। आप बताएं क्या बोला गया था यहाँ पे आके, और आज जो फोन नहीं उठा रहे हैं उसकी क्या स्थिति? सर वो कह रहे थे कि हमें 1,000 रुपये ले रहे हैं, 50,000 आपके खाते में डाल देंगे जी। और ये 4-5 दिन का टाइम लिया था, 1 से 5 तक, और उसके बाद में खाता नंबर दिया था, उन्होंने फोन नंबर लिया था, सब कुछ ले लिया था जी, आप उसने कुछ नहीं सुनाई दी। हम फोन मिलाते हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आता है जी, फोन कभी बात नहीं हो पाई उसके बाद जी। बात नहीं, आज बात हुई सर उसकी और अत्ती मेरी, तो उन्हें कहे कहा था 2 दिन रिपोर्ट मत दो, आपको पैसे लौटा देंगे या मेरे आदमी से बात करवा देंगे। अभी मेरी बात हुई उसका आदमी थी, तो आदमी कह रहा जी आज आप रुक जाओ, हम कैसे भी करके आपको पैसे देंगे, पर कहाँ से देंगे सर, वो मुंडिया खेड़ा का सर वो जी। तो आप देख सकते हैं साहब साहब, आप बताएं कितने पैसे आप लोगों से लेकर के गए? 35,000 तो हमारे घर बैठे बैठे ले गए, एक लेडीज का ना 1,000 रुपया। आपके गांव में लगभग पूरे गांव के अंदर कितने पैसे लेके गए? 50,000 सर, 50,000 टोटल 50,000 रुपए लेकर के गए। 35,000 तो सर मेरा घर ही लेके जा रहे, रानी का घर ही। तो आप देख सकते हैं बकायदा ये लोग बता रहे हैं कि इनके घर से
जो पैसा है वो ले जाया गया। जी बताइए वो करवा गया, अगर हम भरोसा करे सर, भरोसा पे इतने विश्वास तोड़ दियो मारो। आपने भरोसा किस नाम पे किया? भरोसा सबके मोबाइल जी, हम उनकी वोट कार्ड लियो, आधार कार्ड लियो, उनकी आईडी देखी, पूरा पूरा पे देखियो, पर ये सब डुप्लीकेट सी, यो भरोसा खराब कर दिया सर उन मारो। सारी बार लेवा जी लोन तो नहीं, से पहला नहीं भरवाया किसी ने भी, इसने पहली भरवाया, इसने पहली भरवाया, एक तो पांच तारीख को कही थी, एक तो पांच के बीच बीच में आपका पैसा आ जाए खाता मैं लीजिए, एक ने नगद दे दी और एक ने बैंक में गिर दी, इसको दूसरे दिन पैसे आ जाएंगे नू कही थी उसने। तो इनने जब पैसे भरवाए, आप बता रहे हो कि पहले कभी किसी ने भरवाए नहीं है, तो इसने जब भरवाए पैसे, तो आप लोगों को शक नहीं हुआ कि ये पैसे पहले क्यों ले रहे हैं? एक बुढ़िया ने कही थी सर, जी पहले पैसे किसी ने नहीं लिए, आप पे ले रहे हो, बोले हम ये लोन नहीं, इसे कंपनी ले रही, हम नहीं ले रहे, किसी का जी करे तो दे और किसी का जी नहीं करे तो ना दो, फिर सभी नहीं जाने, एक ले तू भी ले ले, तू भी ले ले, सामने भी गणी बिरा ने। आप लोगों ने जांच करने की कोशिश की कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? हाँ फ्रॉड की कोशिश करी, सारी उसने आईडी दिखा दी, हमने सोचा हम तो अपना वर्गा दिल जाने, हम तो सोचा सारी प्रूफ दिखा दिया तो ले मुख हमारे कैसे आदमी से, हमने नू थोड़ी पता हमारे के लिए धोखा कर, पूरा प्रूफ दे के जा रहा है जी, आईडी दिखाने के लिए बोल रहे हैं हम, देख लेते हैं अभी उनकी जो आईडी है वो क्या है, उसके ऊपर नाम वगैरह अंकित होगा वो भी हम देख लेंगे। कार्रवाई सर करी हो रही इस बात, आप दिखाएं एक बार जो आपके पास में आईडी वगैरह है सर, उनको बाइक या सब के हमने रखे उसमें बाइक लगो। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार फोन के ऊपर जरा कैमरा नजदीक से दिखाने की कोशिश करें वो आपको एक बार, और इसके ऊपर मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ, विजय लक्ष्मी फाइनेंस ग्रुप है, और जो बंदा यहाँ पे लोन करने के लिए आया था उसका नाम सुनील कुमार इसके अंदर अंकित है, फादर का नेम राधे श्याम है, और यहाँ पे फील्ड ऑफिसर लिखा हुआ है उसके बारे में। और बाकी यहाँ इस कार्ड के ऊपर उसका जो गांव का वगैरह नाम है वो नहीं है, और दिल्ली का ये बैंक का जो फाइनेंस लिमिटेड ये है वो दिल्ली से है, और यहाँ पे आके जो ठगी का काम है वो किया गया है। इन लोगों ने साफ साफ बताया कि इससे पहले जितने भी फाइनेंस करने के लिए लोग आते थे उन्होंने कभी पहले पैसा नहीं मांगा, लेकिन इस बार इन्होंने पहले पैसा मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को शायद उस पर शक नहीं हुआ और भरोसे के नाते इन्होंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन अब वो फरार हो चुके हैं, उनसे बातें नहीं हो पा रही हैं, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस गांव से लगभग 50,000 रुपए की जो ठगी है वो हुई है। इस प्रकार के जो लोग हैं उनके ऊपर सरकार भी कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे, ताकि और गांवों के अंदर ये इस तरीके की जो ठगी है उसको अंजाम ना दे सके। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।